भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और समृद्धशाली इतिहास के साथ ही प्राचीन चमत्कारी मंदिरों के लिए बहुत विख्यात है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। कहीं पूरा मंदिर ही रोजाना पानी में डूब जाता है तो कहीं भगवान की मूर्ति को भी पसीना आता है। क्या कहें इन मंदिरों के बारे में, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ विचित्र और रहस्यमयी मंदिर और उनकी खासियत के बारे में। नंबर एक, कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर, केरल। कोडुंगल्लूर देवी मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो कि केरल राज्य के त्रिशूर जिले में है। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर है, परंतु यह मंदिर सबसे अद्भुत है। कोडुंगल्लूर देवी मंदिर को श्री कुरम्बा भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में माँ भद्रकाली उपस्थित हैं। उनकी काली रूप में पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले लोग देवी को कुरम्बा या कोडुंगल्लूर अम्मा के नाम से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना या अनुष्ठान देवी के निर्देशों पर ही किए जाते हैं। नंबर दो, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव का लेपाक्षी नामक एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र विराजमान हैं। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। इस मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर में एक ऐसा खंभा है जो हवा में लटका हुआ है और उस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। यह खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि हवा में लटके इस खंभे के नीचे से अगर कपड़ा निकाला जाए तो उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। खंभे के हवा में लटकने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है कि भगवान वीरभद्र की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद हुई थी। जब महादेव ने माता सती के आत्मदाह के बाद वीरभद्र को अपनी जटा से उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति को मारने भेजा था, तब दक्ष के वध के बाद भगवान वीरभद्र का क्रोध शांत होने के नाम ही नहीं ले रहा था। पाताल से लेकर आकाश तक उनकी हुंकार से सब भयभीत हो उठे थे। तब भगवान शिव ने उन्हें क्रोध शांत करने के लिए तपस्या का आदेश दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि जहां आज लेपाक्षी मंदिर है उसी स्थान पर वीरभद्र भगवान ने तपस्या की थी और क्रोध पर नियंत्रण पाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में जो हवा में लटका खंभा है वो भगवान वीरभद्र के क्रोध के कारण ही है। नंबर तीन, करणी माता मंदिर, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में करणी माता का मंदिर पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि करणी माता लोगों की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा का अवतार है। करणी माता चारण जाति की योद्धा ऋषि थी। एक तपस्वी का जीवन जीते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के बीच वह पूजी जाती थी। जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं से अनुरोध प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर किलों की आधारशिला भी रखी। हालांकि उन्हें समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित इस मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। बीकानेर में करणी माता मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि यह मंदिर 25,000 से ज्यादा चूहों का घर है, जिन्हें अक्सर ही यहां घूमते देखा जाता है। आमतौर पर कोई भी चूहों की झूठी चीज खाने के बजाय फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। यह इस मंदिर की पवित्र प्रथा है। यही वजह है कि भारत और विदेशों के विभिन्न कोनों से लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने आते हैं। नंबर चार, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कम्बोई गांव में मौजूद है। अगर ट्रैफिक जाम न मिले तो आप गांधीनगर से इस जगह तक 4 घंटे में ड्राइव करके पहुँच सकते हैं। मंदिर 150 साल पुराना है जो अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहां सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। यह मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। यह हाई टाइड के दौरान रोजाना पानी में डूब जाता है। पानी हटने के बाद इसे फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। माना जाता है इस मंदिर को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बनवाया था। नंबर पांच, कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी।
माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां जहां यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहां उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। नंबर 6, असीरगढ़ के किले में स्थित शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में एक शिव मंदिर स्थित है। असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर की प्राचीन महिमा कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। इतना ही नहीं, इस प्राचीन शिव मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु असीरगढ़ के किले में पहुंचते हैं। इस मंदिर का एक बड़ा रहस्य है कि इस मंदिर के रोजाना शाम को बंद होने के बावजूद जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं तो शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ी हुई होती है। इतना ही नहीं, शिव मंदिर में किसी के पूजन करने के प्रमाण भी मिलते हैं। बहरहाल, यह खोज का विषय है कि आखिर मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद सुबह द्वार खुलते ही शिवलिंग पर फूल और रोली आखिर कहां से आकर चढ़ते हैं। महाभारत के अश्वत्थामा को पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के दौरान हुई एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगो युगो तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई।